दोस्तों 80 और 90 के दशक की फिल्मों में हमें कई कॉमेडी के बादशाह देखने को मिले, जिन्होंने फिल्मों में अपने अपने किरदार के डायलॉग से लेकर एक्सप्रेशन तक से फिल्मों को काफ़ी मज़ेदार बनाया, जिसकी वजह से न सिर्फ दर्शकों ने कॉमेडी के उन धुरंधरों की खूब तारीफ की, बल्कि आज भी कॉमेडी के सरताज के रूप में उन्हें खूब याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं बीते सालों में आपको कॉमेडी भरे अंदाज से बेस्ट कॉमेडियन के रूप में नजर आने वाले मशहूर सितारे आज 2022 में काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, शायद आप इन्हें पहली नज़र में पहचान भी ना पाए, और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 6 मशहूर कॉमेडियंस के आज से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की करते हैं शुरुआत और जानते हैं उन्हीं कॉमेडियंस के बारे में। नंबर 1, शक्ति कपूर। राजा बाबू भागम भाग और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में शक्ति कपूर ने एक बहुत ही शानदार कॉमेडी की थी, जिसकी वजह से इनके किरदार को देख दर्शक आज भी हंस का लोटपोट हो जाते हैं। अगर बात करें शक्ति कपूर के आज के बारे में, तो बता दें आज भी अपने जीवन के सफल 69 ईयर्स पूरे कर चुके हैं, जिनकी उम्र का असर इनके शरीर पर साफ तौर पर नजर आता है। जो आई आज पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बूढ़े नजर आते हैं, जिनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके हैं, साथ ही इनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ भी आ चुकी हैं। हमें बता दें अपने परिवार के साथ ही मुंबई में रहते हैं, जहाँ इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा है, जिन्हें हाल ही में आई सीरीज गिल्टी माइंड में देखा गया था। नंबर 2, फरीदा जलाल। अभिनेत्री फरीदा जलाल को जहाँ हीरो फिल्म में माँ की भूमिका में देखा जा चुका है, तो वहीं इन्होंने पर्दे पर इमोशनल के साथ साथ अपनी कॉमेडी पर अंदाज से भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। बात करें इनके आज की, तो आज ये 73 ईयर्स की हो चुकी है, जिसकी वजह से आज ये पहले से काफ़ी बूढ़ी नजर आती है और आज इनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा झुरियाँ नजर आती है। वहीं बात करें, इन्होंने साल 1978 में अपने को एक्टर तबरेज बामवर से शादी कर अपना घर बसाया था, और आज वो एक बच्चे की मम्मी बन चुकी है। पर अफसोस, इनके पति आज दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से यह आज अपने बेटे के साथ मुंबई में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, जिन्होंने कुछ समय पहले फिल्म लाइंस में देखा गया था। नंबर 3, कादर खान। 90 के दशक में बॉलीवुड की कॉमेडी किंग कहे जाने वाले अभिनेता कादर खान, जिन्होंने दुल्हे राजा, आंखें और कुली नंबर 1 जैसी ना जाने कितनी ही फिल्मों में अपने डायलॉग्स और कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को एंटरटेन किया। बात करें इनके आज की, तो बता दें कादर खान आज हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, बता दें साल 2018 में हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई थी। नंबर 4, शलीला चड्ढा। हम आपके हैं कौन और वीराना जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से मशहूर होने वाली अभिनेत्री शलीला चड्ढा, बता दें आज इन्होंने भी अपनी 53 इयर्स की उम्र पार कर ली है, जिसकी वजह से जहां फिल्म में काफ़ी स्टाइलिश कपड़ों में और शॉर्ट हेयर्स में काफ़ी मॉडर्न लुक में नजर आती है, तो वहीं अभी भले ही ये स्टाइलिश कपड़े पहनती है, मगर उनके चेहरे पर इनकी खूबसूरती गायब हो गई है और उनकी एज उनके फेस पर साफ साफ नज़र आती है। बता दें ये भी अभिनेता निर्मल बाली के साथ शादी करके एक बच्चे की मां बन चुकी है और आज उन्हीं के साथ रहते हुए अपने करियर को इन्होंने ब्रेक दे दिया है। नंबर 5, बेबी गुड्डू। इस लिस्ट में एक नाम शुमार होता है बेबी गुड्डू का, जिन्हें आप 80 के दशक में कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करते देखा ही होगा, जिन्होंने अपने अंदाज से दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया। बता दी अभिनेत्री आज 41 ईयर्स की हो चुकी है, पर लाइमलाइट में ना रहने के चलते इनकी चंद ही तस्वीरें उपलब्ध हैं। वहीं बात करें इनके आज की, तो बता दें ये निजी जिंदगी में अगर बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बेबी गुड्डू दुबई में रहती है और अमीरात एयरलाइंस में काम करती है। नंबर 6, हिमानी शिवपुरी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बीवी नंबर 1 जैसी फिल्मों में ज़बरदस्त कॉमेडी सीन्स देने वाली अभिनेत्री है हिमानी शिवपुरी। बात करें इनके आज की, तो हिमानी शिवपुरी आज 61 ईयर्स की हो चुकी है, जिसकी वजह से जहां बढ़ती उम्र के साथ इनके चेहरे पर झुरियाँ और सफ़ेद बाल हो गए हैं, हालांकि अब ये पहले से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न नज़र आती है। बात करें इनकी निजी ज़िंदगी की, तो साल 1995 में ही इनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से आज भी अपनी बेटी केतायनन शिवपुरी के साथ मुंबई में रहती है, जहां रहते हुए इन्होंने आज भी अपने करियर को जारी रखा है, जो फिल्मों के साथ साथ सीरियल्स में भी नजर आती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस कलाकार के आज के बारे में जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।